भाव सुमन उर्थाल सजाकर हम करते स्वागत सम्मान। सादर चरण कमल धोने को बादल जल भर लाए, गगन आरती करे आपकी अगणित दीप जलाए। जोरदार तालियों से माननीय जी का आप अभिनंदन करें और स्वागत भाषण निवेदन करने के लिए SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर परम आदरणीय डॉक्टर संदीप मिश्र जी से आग्रह है माननीय जी का, और विभिन्न महाविद्यालयों से अपने आए हुए समस्त स्टाफ का, प्राचार्य जी का अभिनंदन और स्वागत भाषण निवेदन करने की कृपा करेंगे। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाविद्यालय समस्त SBM ग्रुप परिवार के सभी सम्मानित प्राचार्य और प्राध्यापक प्राध्यापिका और समस्त छात्र छात्रा और इस गरिमामयी SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना के पुरोधा माननीय मंत्री जी, जो इतने बड़े विशाल कैंपस का जनक पिता कहा जाता है, आज आपको महाविद्यालय परिवार स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। महाविद्यालय के जितने भी पाठ्यक्रम यहाँ पे संचालित हैं या जितने भी संस्थान संचालित हैं, वहाँ के सभी प्राचार्यों का, सभी प्राध्यापक प्राध्यापकों का, छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत महाविद्यालय परिवार करता है। मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रबंधक जी का आशीर्वचन 2 मिनट का हम लोगों को प्राप्त हो, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ, अघटित घटना घटी असी, विचित्र संसार संरचना पटी असी, समस्त शिष्ट सेम सी भगवती त्रैलोक प्रकाशनी माँ वीरापाणी के वरद पुत्र महान राजनीतिक शिक्षाविद, हम सब लोगों के प्रेरक अभिभावक पिता तुल्य परम पूज्य प्रोफेसर ओझा जी से, जो इस SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संस्थापक अध्यक्ष हैं, अपने शुभाशीषों से हम सभी लोगों को अभिसिंचित करने की कृपा करें। पूज्य ओझा जी, हमारी आजादी का 78वां दिन है। 77 वर्ष सबने पूरे कर लिए आजादी के, 78वें में हमने प्रवेश किया। इसको बंद कर दो। और विगत उस दिनों से जो बगल के राष्ट्र में हो रहा है, बांग्लादेश में, जो 14 अगस्त के पहले तक इसी महान भारत का अंग था, उसको देख करके मन बहुत दुखित होता है, बहुत व्यथित होता है। और जब ये कल्पना हम करते हैं 14 अगस्त को जब ये राष्ट्र बटा था, आज इतनी दिनों के बाद इतनी दुनिया बढ़ गई, उसके बाद बगल के देश में जो नरसंहार हो रहा है अल्पसंख्यकों के नाम पर, आज़ादी के समय, विभाजन के समय कल्पना करो कि पाकिस्तान में क्या हुआ होगा। जहां से लाखों की संख्या में लोग आए, अब तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं करीब 10 लाख लोग 14 अगस्त तक वहां मारे गए थे, 10 लाख। ट्रेन की बोगियों में काट काट के फेंक दिया जाता था हिंदुओं को, उनकी लाशें बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, जो जुल्म और जाति उन लोगों ने किया होगा कल्पना कीजिए आपका। आज यहां हो रहा है, बगल में मारा, आज उनका भी राष्ट्रीय पर्व है। शेख मुजीबुर रहमान जो उस देश के निर्माता थे, उस देश के पिता हैं,
राष्ट्रपिता हैं, आज उनका जन्मदिन है। लेकिन वहां राष्ट्रपिता का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी जाति। हम लोग सौभाग्यशाली के हम इस देश के भीतर भारत माता की संतान बनकर के हम खड़े हैं आज, और याद करते इस बात को कि कुर्बानी, कितनी बड़ी कुर्बानी हम लोगों ने 1200 वर्षों तक दी थी। इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो पता चलेगा कि 1200 वर्षों में कितने हजार लाखों लोग पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा परिवार आहुति देकर के इस देश को स्वतंत्र कराए हैं। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली जितना हम महसूस करते हैं। बड़ी कुर्बानी है, बड़ा बलिदान है, बड़ा त्याग है लोगों को, हमारे पूर्वजों का, तब आज आजाद, आज हम आजाद हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के भीतर आजाद हैं हम। बगल जितने भी राष्ट्र आजाद हुए आप देख लो, कहीं भी लोकतांत्रिक सरकारें बहुत दिन तक नहीं चल पाती, सब राष्ट्र। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम थोड़े से कार्यकाल के भीतर 75 से लेकर 77 तक, जून 77 तक लोकतंत्र का अधेरा हो गया था हमारे यहां, जिसको इमरजेंसी कहते हैं, आपातकाल। लेकिन बाकी हम लोग पूरी तरह लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे संविधान निर्माताओं का बड़ा योगदान है इसके भीतर, जिससे आज हम लोग इस स्थिति में खड़े हैं। लेकिन मित्रों, मेरे नौजवान दोस्तों, बेटी बेटियों, आजादी कितने त्याग बलिदान के बाद मिली है, इसको सजोना भी हमारा काम है। सजो करके इसको दुनिया में आगे बढ़ाने का भी काम हमारा, पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है हमारा। हमने दुनिया में कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया उस जमीन जीतने के लिए। हमने 1965 में लाहौर तक कब्जा कर लिया था, 1965 में लाहौर तक हम जीते थे। 1971 में हमने जीता पाकिस्तान, दो टुकड़े हो गए जो बांग्लादेश आज दिखाई पड़ता है, उस समय भी हम कराची तक पहुंच रहे थे, लेकिन हमने जमीनें छोड़ दी। जीता, बलिदान दिया, कुर्बानी दी अपनी, अपने वीरों को शहीद किया, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप था, हम शांति के लिए अपनी सुरक्षा रखते हैं, हम विकास के लिए, विस्तार के लिए नहीं है। विकास करेंगे लेकिन विस्तारवादी नीति से नहीं करेंगे। अशोक के जमाने से लेकर के आज तक चलता रहा हमारे बीच। लेकिन कभी कभी इतिहास के पन्नों को पलटने से ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में हमको जिंदा ही नहीं, दुनिया को अगर मार्गदर्शक हमको बनना है, किसी जमाने में हम दुनिया के मार्गदर्शक थे, फिर आज आगे हम बढ़ रहे हैं। आईटीज में आज दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि 77 बाद के बाद भी हमारा देश नहीं प्रगति कर सका। हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी प्रगति के रास्ते में हम खड़े हैं। अभी लंबा सफर करना है, मीलों चलना है, और चल करके तब हम वो प्राप्त करना चाहते हैं भारत माता के लिए, भारत माता दुनिया में प्राप्त करना चाहती है, जिससे हम दुनिया को शांति, सद्भाव, भाईचारा का संदेश ही न दें, स्थापित करने का पूरा प्रयत्न दुनिया में करें। विस्तारवादी नीति नहीं है, लेकिन दुनिया में शांति कायम हो, दुनिया में भाईचारा कायम हो, दुनिया में अत्याचार बंद हो, दुनिया में जुल्म कम हो, इसके लिए हमको मजबूत होना जरूरी है। हम ही अकेले ऐसे संस्कृति के राष्ट्र हैं, जिस राष्ट्र के भीतर सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का घोष किया जाता है। हमने कभी नहीं कहा का सिर्फ हिंदुस्तानी सुखी हो, हम कभी नहीं कहते सिर्फ भारतवासी सुखी हो, सिर्फ हिंदू सुखी हो,
हमने शुरू से जब से हमारी संस्कृति हुई, जब से प्रकृति चली, तब से हमने उद्घोष करना शुरू किया। आज भी उसी उद्घोष पर कायम है, लेकिन बगल देख करके लगता है जहां इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी जाति, घर का घर उजाड़ दिया रहा है, नौजवान बेटी बेटियों को किस तरह से अपहरण कर रहे हैं, किस तरह से दुराचार कर रहे हैं उनके ऊपर, किस तरह से मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे संस्थानों को तोड़ रहे हैं, हमारी दुकानों को तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं वो लोग, जिसको जिस राष्ट्र को हमने बनाया। अगर हमारी सेनाओं ने कुर्बानी न दी तो, जो बलिदान न दिया होता, तो बांग्लादेश आज न होता, फिर उसी चक्की में फिर से बैठते होते ये लोग। लेकिन हमने किया, आजाद किया। उस राष्ट्रपिता ने जो फांसी के पंदे पर चढ़ता हुआ लौट आया था, वो हिंदुस्तान की सेनाओं के कारण, हमारी सेनाओं ने, बहादुर सेनाओं ने किया था। उस राष्ट्रपिता की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उसका जन्मदिन नहीं मनाने दे रहे हैं। आइए कहते हुए कि वो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, सबको साथ ले चलने वाला व्यक्ति था वो। इसलिए मित्रों, आज के दिन हम अपनी आजादी को और मजबूत करेंगे, हम अपने देश को और सबल बनाएंगे, हम अपने देश को और विकसित करेंगे। जो प्रधानमंत्री का ख्वाब है, सपना है, 2045 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर के खड़े होंगे आर्थिक क्षेत्रों में, बाकी क्षेत्रों में तो हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन के खड़े होंगे। उसको पूरा करने के लिए हम सब लोगों को कड़ी मेहनत करनी है, कठोर श्रम करना है, कड़ी मेहनत करनी है। अब ये सपना देखते रहना है हम लोगों को। जागो तब, जब मिलो चल लो तब, उससे पहले नहीं। हारो मत, रुको मत, ये देश हमारा है, ये भूमि हमारी है, संस्कृति हमारी है। और कल जब तुम लोग खड़े होगे अपने दहलीज पर बढ़कर के, तब ये कहना कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया हमारी। हमने सांस्कृतिक उत्थान किया है, सांस्कृतिक विस्तार किया है, सैनिक विस्तार नहीं। इसलिए मित्रों, इतिहास के पन्नों को भी पलटना, बलिदान सिर्फ पुरुषों ने नहीं दिया, बलिदान बहुत सारी महिलाओं ने भी दिया, बहुत सारी महिलाओं ने दिया बलिदान। सिर्फ अगड़े ने नहीं दिया, अगले पिछड़ों ने भी दिया, दलितों ने भी दिया बलिदान, मुसलमान भाइयों ने भी बहुत बलिदान दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने किया। इसलिए इतिहास को सही सही पढ़ो, उनसे प्रेरणा लो, उनको जो करना था वो कर गए हमारे लिए, तो गुजर गए, लेकिन उनकी यादों हम अपने दिल में सजोए रखेंगे, दिमाग में बनाए रखेंगे, तभी आगे जो सपना था उनका पूरा करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इन सपनों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। अब मैं निवेदन करता हूं अपने महाविद्यालय के परम यशस्वी अनुशासन प्रिय प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी से, सभी अतिथियों के प्रति आभार निवेदित करें और आगामी सूचना से छात्र छात्राओं को भी अवगत कराने की कृपा करें। आज इस गणतंत्र स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर महाविद्यालय के यशस्वी संस्थापक, हम लोग के मार्गदर्शक प्रेरणास्रोत माननीय प्रबंधक जी अपना अमूल्य समय देके हम लोग के प्रेरणास्रोत हमेशा बने रहते हैं, महाविद्यालय में आए, उनका तहे दिल से महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सभी प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और उसके निदेशक, महाविद्यालय के निदेशक, सभी छात्र छात्राएं, सभी लोग इस पावन पर्व पर उपस्थित हुए, सभी लोगों का महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।